सुनने और देखने वालों को मुबशर नकवी का सलाम। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम लेके आया हूं। सेलमैन इज द बेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, सेलमैन इज द सक्सेसर ऑफ द वर्ल्ड, सेलमैन इज द पर्सन हु राइट हिज सैलरी चेक बाय ऑन। सिर्फ एक शख्स है पूरी दुनिया में, सिर्फ एक शख्स, वो है सेलमैन, जिसके पास ये चांस है, अपॉर्चुनिटी है, जिसके पास ये एटमॉस्फेयर है कि वो अपनी दुनिया की हर ख्वाहिश को पूरी करने के लिए एफर्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है? एक सेलमैन क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, एक सेलमैन इंपॉर्टेंट क्यों है, इन चीजों के ऊपर हम आज देखेंगे जी। कि सेलमैन हमें, हर शख्स को अपने अंदर सेल्स क्वालिटीज पैदा करनी चाहिए। कैसे होंगी? हम अशरफुल मखलूकात हैं, तो अल्लाह ताला ने हम में हर चीज इंडल्ज की हुई है, सिर्फ हमने पॉलिश करनी है। इससे पहले कि ये तमाम चीजें हम स्टार्ट करें, मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मुबशर को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। किसी भी सेलमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम डिस्कस करें, तो उसमें हमारे पास आएगा सक्सेसफुल सेलमैन। उसके बाद हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस करते हैं जी। फॉर ग्रीटिंग ऑफ योर कस्टमर, अपने कस्टमर को खुश करना सेलमैन की सबसे पहली जिम्मेदारी है। किसी भी सेलमैन की जिम्मेदारी अपने कस्टमर को खुश करना उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। जब आप अपने कस्टमर को खुश करते हैं, तो कस्टमर आपकी सर्विसेज या आपकी प्रोडक्ट लेके आपके नैरेटिव को एक्सेप्ट करके आपको खुश करता है। नंबर टू पे आएगा जी हमारे पास राइजिंग अप परचेज। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस इदारे के साथ वो काम कर रहा है लॉयल होके काम करे, जिस इदारे के साथ वो काम करके पे ले रहा है उसके साथ लॉयल रहे, उसकी परचेजिंग में, उसकी सर्विसेज सेल होने में, प्रोडक्ट सेल होने में उसका बिजनेस को राइज करे। नंबर थ्री पे आएगा जी हमारे पास कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, आपके सेलमैन को आपकी प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विसेज के बारे में हर चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जब उसको आप हर चीज की इंफॉर्मेशन देंगे, ही विल बी वेल इक्विप्ड, अपने क्लाइंट को अच्छी तरह से डील करेगा तो आपको उसका फायदा होगा। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेलमैन एक वेल इन्फॉर्म्ड बंदा हो। उसके बाद उसको प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। जब तक किसी सेलमैन को प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगा, वो अच्छे तरीके से अपने कस्टमर्स को नहीं बता सकेगा, अच्छी तरह से सर्विसेज डिलीवर नहीं कर सकेगा, आपका नैरेटिव सही तरह बिल्ड नहीं कर सकेगा, जो चीज आप सेल कर रहे हैं वो सही तरह सेल नहीं कर सकेगा। किसी भी सेलमैन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कस्टमर को खुश करना, राइजिंग अप परचेज, नंबर थ्री के प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, नंबर चार पे कि आपका कस्टमर, आपके कस्टमर को अच्छी तरह से प्रोडक्ट नॉलेज दी जाए। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास कि नंबर फाइव पे जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, वन ऑफ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि आपका सेलमैन, आप मालिक को तमाम की तमाम कंप्लेंट जो कस्टमर दे रहे हैं, दे के सर आपकी प्रोडक्ट में ये खामी है, आपकी सर्विसेज में ये खामी है, आपकी नैरेटिव बिल्डिंग में, आपकी बातों में ये चीज गलत है,